किताबें अक्सर लोगों का ज्ञान बढ़ाती हैं और किताब प्रेमियों के लिए पुस्तक मेले से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में राजधानी रांची के जिला स्कूल में भी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों की भीड़ जुट रही है और एक अलग ही नज़ारे यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां तीन पीढ़ियां एक साथ अपने अपने पसंद की किताबें खरीदती नज़र आ रही है। यहां पर तमाम तरह की किताबें हैं, तमाम प्रकाशकों की किताबें यहां पर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर साहित्य तक की किताबें यहां पर देखने को मिल रही है और अलग अलग पाठकों की भीड़ यहाँ पर पुस्तक मेले में उमड़ रही है। बातचीत करते हैं इनसे, समझने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में किताबों के प्रति लोगों का प्रेम कितना बदला है और बदला भी है तो किस रूप में आज वो किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। पसंद की बात ऐसी है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक सोच होती है और उसकी अपनी एक खोज भी होती है। आपकी खोज क्या है इस पुस्तक में? मेरी खोज में मैं ये कह सकता हूँ आत्मा संबंधी की पुस्तक होती तो मैं जरूर यहाँ देखता, जो मुझे नज़र नहीं आ रही। और कुछ पसंद आया? नहीं, एक्चुअल मैं जो ढूंढ रहा हूँ उसकी वजह से दूसरी चीज़ें दिख नहीं रही नज़र एक ही चीज़ में। जब पुस्तक मेले में जो है यहाँ पर तीन पीढ़ियाँ एक साथ खरीदारी करती दिख रही है, बड़ी रोचक बात होती है कि किताबें इस तरह से बांध कर रखती है लोगों को, तीन पीढ़ियाँ एक साथ नज़र आ रही है और सब अपनी अपनी पसंद तलाश रही है। क्या कहेंगे इस पर? सही है, कभी भी कोई चीज़ बेकार नहीं होती है, क्योंकि आदमी का मस्तिष्क और आदमी का मन सबका भिन्न भिन्न होता है। कौन किस ढंग से घूम रहा है और क्या खोज रहा है और उसको कब क्या मिल जाए, इसलिए बेकार कुछ भी नहीं। हो सकता है कईयों को उनमें बहुत कुछ मिल गई है, खोजी होना चाहिए। अभी तो बस देख रहे हैं, थोड़ी देर में पसंद आएगा। क्या क्या खरीदना, मतलब क्या किताबों पर नज़र पड़ी है? फिक्शन देख रहे हैं अभी, ये सब तो बहुत सारे पॉपुलर बुक दिख रहे हैं यहाँ पे, वही सब पसंद आएंगे। पुस्तक मेला अच्छा लगता है इस तरह का, बुक फेयर जब होता है कई तरह की किताबें एक साथ रहती है। हाँ, अभी तो बहुत साल के बाद लगा है ना, तो मतलब अभी तुरंत हम लोग आए। कौन सी किताब है ये? विरासत वाला मुंडारी, मुंडारी भाषा में लिखी है। पसंद आ रही है किताब यहाँ पर, वैरायटी कलेक्शन। क्या खरीदेंगी आज? किताब लेके जाएंगे मुंडारी वाला, लेकर जाएंगी, पसंद है पढ़ना। आम दिनों में ऐसे मिलती है किताबें मुंडारी भाषा वो भाषा, लेकिन पुस्तक मेले से कितना अलग से, मतलब ये में मिलता है रातू रोड में, झारखंड झारखंड। अच्छा, वहाँ मिलता और यहाँ पर आपको एक साथ तमाम तरह की वैरायटीज मिल जाएगी। पत्रिकाएं देख रहे हैं मुंडारी का, और कुछ नया नया राइटर जो है, पहले तो उतना नहीं थे, आज के डेट में कुछ नया नया जो युवा राइटर है उनका कुछ पत्रिकाएँ हम देखना पसंद करते हैं, जैसे तो कुछ देख रहे हैं जैसे, और ये सब आम दुकान में नहीं मिलती है। हमारा सोच है कि कुछ नया नया, अगर नया युवा कवि लोग का या कवित्री जो भी हो, कुछ नया मिल जाए तो उसे पढ़ना पसंद करें। तो कुछ नए कवि दिखे अभी तक? हाँ, देखे हैं कुछ। मैं पत्नी को एक बार सुझाए कि वाला लोकोक्ति वाला जो मुंडारी का है हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ाई का। और एगो सोच रहे राइटर का नाम, उसका सांगों पहले निकला था पत्रिका बहुत दिन पहले, वो हाथ लगा था किताब, अब मिल नहीं रहा। हम वही मन बनाए हुए थे कि किताब मिल जाए तो हम ले लें। मिला कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं मिला, पूरा देखे नहीं है, पूरा देखे नहीं। हाँ, हो सकता है मिलेगा उसका, हमारा दोस्ते है, उसका नंबर भी हमारा खो गया, उसे हम पूछेंगे, सोच रहे उसके बारे में। यह सोए नाम है वीरेंद्र सोए का, सांगम करके निकला था लगभग एक साल, उसका पत्रिका सांगम निकला था, बड़ी अच्छा लगा किताब सब। अभी खोज रहे तो मिल नहीं, उसमें हमको दे रहे थे, बोले लीजिए कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े। तो इस तरह के पुस्तक मेले का जो आयोजन होता है वो कितना ज़रूरी हो जाता है? बहुत ज़रूरी है आज का डेट में, बहुत सा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, कुछ अपना ज्ञान अर्जन के लिए भी, कुछ स्कूल कॉलेज के पुस्तकें भी एक साथ मिल जाती है। पहले हम लोग के समय में नहीं मिलता था, हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो मिला उसे पढ़े, हम लोग डिग्री तो लिए लेकिन संपूर्ण जानकारी उसमें नहीं हुई। आज का डेट में हम समझते हैं कि इतने सारी पुस्तकें एक साथ मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जब से पेपर में देखे कि
मैंने पुस्तक मेला होने वाला है तब हम मन बनाए हुए थे कि समय निकालेंगे और जरूर वहाँ पुस्तक मेला जाके हम पुस्तक को ढूंढेंगे। अभी तक पूरा देखे नहीं है, जो जो मिलेगा पसंद का जरूर लेंगे। पुस्तक मेले में आई है, क्या कुछ देखा अभी तक? बुक्स देख रहे हैं बस। हमको तो बहुत पसंद है पढ़ना, लेकिन मतलब ये लोग के लिए लिए हैं पढ़ने के लिए। हाँ, बहुत सारा वैरायटी अभी तक घुमा है, तो क्या कुछ देखने को मिला? स्टोरी बुक ये सब देख रहे थे। स्टोरी बुक्स प्रकाशकों के नाम या कुछ बहुत फेमस लेखकों का यहाँ पर है? हरिवंश नारायण बच्चन और आर के शर्मा, विष्णु शर्मा, ये सब का स्टोरी बुक, रविन्द्रनाथ टैगोर का। अभी तो वो लोग के लिए बुक देख रहे हैं। बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे, खुद के लिए क्या खरीदेंगे, क्या सोचा? अभी सोचे नहीं है, अभी तो आए ही हैं देख रहे हैं। कहानी पुस्तकें खरीदनी है अभी। डायनेमिक्स ऑफ अचीविंग गोल्स, मतलब गोल को लेके बहुत अच्छा, मतलब इसमें बताया गया है। किताब पढ़ना पसंद है? ज़्यादा नहीं, बट मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो क्या क्या देखा अभी तक पुस्तक मेला में, कितनी तरह की किताबें हैं? बहुत तरह की, जैसे क्लास, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, हर तरह के। साहित्य वगैरह देखा? नहीं देखा। तो कौन सी किताब खरीद रहे हैं आप? मैं अभी क्लास 12th में हूँ, तो उसके लिए बुक्स लिए मैंने। फिलहाल तो मैं अभी बुक्स ही देख रहा हूँ, और यहाँ का बुक्स का कलेक्शन बहुत सही है। और आपका जो क्वेश्चन था कि मतलब इस तरह का मेला का मतलब क्या, मतलब रिलेवेंस बनता है, तो मैं यही बोलेंगे कि देखिए, मतलब आज के जो जनरेशन है ना, बुक्स से बहुत ज़्यादा शौकीन्स हैं। कुछ लोग हैं जो बुक्स के शौकीन्स हैं, और हर बुक मिल पाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर इस टाइप का मेला लगता है, तो जितने भी जॉनर के बुक हैं, उन जॉनर तक के बुक का मतलब रीच आसानी तक बन पाता हम लोग का, ये है। तो कितने जॉनर्स के बुक अभी तक आपको दिख गए, कितने वैरायटी जो है? अभी तो हमको 2-3 जॉनर ही दिखा। एक सेल्फ हेल्प बुक हो गया, उसके बाद अगर आपका हिस्ट्री को लेकर के, ह्यूमन का हिस्ट्री, उसके बाद अगर आपको इल्यूजन चाहिए तो अमित वर्मा का, आप वो सब देख सकते हैं। यही 3 जॉनर अभी तक हमको दिख। पीढ़ियाँ जो है वो इस पुस्तक मेले में बड़े ही रुचि के साथ दिख रही है, खरीदारी करते हुए। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।